नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। एक तरफ जहां सरकार कोरोना महामारी के चलते परेशान है और लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को भी अपने गृह राज्य पहुंचने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो चुका है और सरकार की तरफ से लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इस सब के बीच सबसे ज़्यादा तकलीफ प्रवासी मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि सरकार तो प्रवासियों को अपने राज्य वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलवा रही है, लेकिन फिर भी उन्हें अपना घर जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं दरभंगा जिला के NH 57 पर प्रवासियों का हाल। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रवासी मजदूर ट्रक में लदकर बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं। कहाँ से आए आप लोग? छपरा, नेपाल से। कहाँ जाना है? ये आप देख सकते हैं, ये दरभंगा बस स्टैंड के बाहर मखाना अनुसंधान के पास प्रशासन के द्वारा प्रवासियों को बिस्किट और पानी का बोतल मुहैया कराया जा रहा है, ताकि प्रवासियों को कुछ राहत मिल सके। दरभंगा बस स्टैंड जो कि लॉकडाउन के कारण पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। इसी कड़ी में दरभंगा नगर के विधायक भी घूम घूम कर प्रवासियों के बीच राहत पैकेज का इंतजाम करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय पहल है।